अरे यार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI ये गेम सब खेल रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं लेकिन मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, आखिर इसे डाउनलोड कैसे करूँ। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो भाई इस वीडियो को देख लो, इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया डाउनलोड कैसे करे। सो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो कि पबजी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से इंडिया में आया है, उसका अर्ली एक्सेस सबके लिए ओपन कर दिया गया, सब डाउनलोड करके खेल सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्ले स्टोर में ऑफिशियली आ गया है, वो लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, बट बहुत से लोगों का प्ले स्टोर में नहीं आया, वो लोग सोच रहे बाकी लोगों का प्ले स्टोर में आया हमारा क्यों नहीं आया, वो लोग डाउनलोड करके खेल रहे हैं हम क्यों नहीं खेल पाएंगे, हम कैसे खेलेंगे। तो भाई मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ आपको प्ले स्टोर में क्यों नहीं आया। देखिए बैच वाइज प्ले स्टोर में भेजा जा रहा है, मीन्स बहुत सारे पहले बैच में अलग अलग डिवाइस को भेजा जा रहा है, बैच वाइज पहला बैच में मान लीजिए दूसरे डिवाइस को भेजा गया, फिर दूसरे अलग बैच में दूसरे डिवाइस को भेजा गया, फिर और एक बैच में आपका डिवाइस को भेजा जाएगा। हो सकता है ऐसा करके बैच वाइज आपको 2-3 दिन के अंदर प्ले स्टोर में मिल जाए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, बट अगर आपको आप उतना देर वेट नहीं कर सकते, आपको खेलना है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो फिर भी आप डाउनलोड कर सकते। कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद नहीं तो आप कर नहीं पाइएगा। तो देखिए लिंक आपको दो लिंक मिलेगा, पहला APK का दूसरा OBB का। आप APK है उसका आप लिंक पे डाउनलोड उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस लिंक पे क्लिक करने पे आप इस वेबसाइट पे चल जाएंगे। देखिए इस वेबसाइट पे 71.93 MB का आपको गेम मिलेगा, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस घटा देता हूँ। हाँ इस कुछ इस टाइप का आपको वेबसाइट में देखने को मिलेगा, 71.93 MB का यहाँ पे आपको गेम देखने को मिलेगा, गेम का APK फाइल 71 MB का है। इसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाउनलोड करने के बाद दूसरा लिंक पे आपको क्लिक करना है, एंड दूसरा लिंक पे क्लिक करने पे आपको और एक ओपन होगा, और एक वेबसाइट में ओपन होगा जो कि आपको 637 MB का यहाँ पे OBB फाइल मिलेगा। OBB फाइल भी आपको डाउनलोड कर लेना, देखिए कुछ इस टाइप का आप इस वेबसाइट में चल जाएगा जब OBB पे आप क्लिक करते तो OBB फाइल भी यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। APK फाइल OBB फाइल दोनों आपका डाउनलोड हो गया, उसके बाद क्या करना है आपका जो APK है उसको इंस्टॉल कर लेना। आप जैसे APK को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपका BGMI इंस्टॉल हो चुका है बट फिर भी अभी ओपन नहीं होगा, तो BGMI इंस्टॉल होने के बाद आपको एक बार उस गेम को ओपन कर लेना। जैसे आप उस गेम को ओपन करेंगे थोड़ा सा आपका कुछ इस टाइप का क्राफ्टन ऐसा आएगा, तो आपको यहाँ पे ओपन करके थोड़ा देर रख लेना है। तो कुछ इस टाइप का खुलने के बाद जैसे आपका इस टाइप का खुल जाएगा क्राफ्टन, उसके बाद इसे ऑफ कर लेना, इस गेम को हटा देना। इस गेम को आपको हटाने के बाद आपको रिसेंट से हटा देना, इस गेम को आप जैसे रिसेंट से हटाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है अपने फाइल मैनेजर पर चल जाना है। फाइल मैनेजर आपका कोई भी स्मार्टफोन हो उसमें फाइल मैनेजर दिया रहता है, तो फाइल मैनेजर पर जाने के बाद आपको क्या करना है आपका जो डाउनलोड हुआ है जिस फोल्डर में उस फोल्डर में जाना है। आप डाउनलोड हो गया उस फोल्डर में आप जाएंगे, उसके बाद उसको कट कर लेना, उस OBB फाइल को या तो कॉपी कर लीजिए या तो कट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए आपको सबसे पहले एंड्रॉयड वाला फोल्डर में आ जाना है। जैसे आप एंड्रॉयड वाला आप देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड वाला फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको एंड्रॉयड वाला फोल्डर में आ जाना है। एंड्रॉयड फोल्डर आने के बाद यहाँ पे OBB फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, आपको इस जगह पे OBB फोल्डर मिलेगा, उस OBB फोल्डर पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड OBB फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको com.pubgmobile ये फोल्डर देखने को मिलेगा। ये जो फोल्डर है यहाँ पे आपको घुस जाना, इस फोल्डर में घुसने के बाद यहाँ पे आपको OBB फाइल पेस्ट कर देना, इस जगह पे आपको OBB फाइल पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से आपको गेम को रीओपन करना, रिसेंट से आपने पहले हटा दिया था उसके बाद आपको OBB फाइल पेस्ट करने के बाद आपको फिर से गेम को रिस्टार्ट करना है। अब आप जैसे गेम रिस्टार्ट करेंगे अभी आपको लगभग आपके पास 600-700 MB डेटा होना चाहिए, क्योंकि ग्राफिक्स डाउनलोड OBB फाइल तो आपने पेस्ट कर दिया बट उसके बाद ग्राफिक्स वगैरह डाउनलोड होंगे, बहुत सारे ग्राफिक्स टेक्स्ट और भी बहुत सारी चीज़ें वो सब डाउनलोड होंगे, उसमें भी आपको 600-something MB लग जाएगा। तो वो आपको डाउन मीन्स आप जैसे गेम ओपन करेंगे गेम में इन गेम वो डाउनलोड होगा, उसके बाद वो डाउनलोड होने के बाद गेम ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI पूरा मजे से खेल पाएंगे। एंड हाँ बहुत ही जल्दी BGMI का रिव्यू आने वाला है इस चैनल पे, इस बहुत ही जल्दी गेम प्ले करने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैंने तो डाउनलोड कर लिया, आपको अगर खेलना है तो आप भी डाउनलोड करके रख सकते हैं एंड खेल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, ऐसे ही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया से रिलेटेड और भी वीडियो और भी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। एंड हाँ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जिनको खेलने की इच्छा है लेकिन अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए, तो वो लोग भी डाउनलोड कर लेंगे यार।